वेलकम बैक टू द ब्लॉग चैनल। होप करता हूँ आप सब तो बहुत आप सब भाई लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। तुम्हारा भाई भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। कल हम लोग सुमित भाई से मिल के आए। आप लोगों ने वाला वीडियो देख ही लिया होगा। और भाई बज रहे अभी 2 सुबह के, मतलब दिन के। मैं अब उठ रहा हूँ क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे हम लोग आने में। इस वजह से हम लोग मेरी नींद ही नहीं खुल पाई। अब एक भाई आए हैं तो हम थोड़ा सा घूम के आते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि लॉकडाउन खुल गया है तो किस टाइप से खुला हुआ और क्या क्या चीज़ें खुली हुई है। थोड़ा घूम के आते हैं, तब तक आप लोग सब मेरे साथ वीडियो में बने रहना। जाना हो कहीं पर भी तो तुम्हारे भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पुरानी वाली वीडियो को भी लाइक कर देना। ठीक है, मिलते हैं रास्ते में। चलो लॉकडाउन तो पूरा खुल गया है। सेनाथ वाला जनता बनता सिग्नल विग्नल भी सारे चालू हो गए। दुकानें उकानें भी चालू हो गई होंगी शायद तक। वो शुक्रवार शनिवार ऐसा कुछ चल रहा है यार, हैं? मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन दुकानें खुलेंगी सारी। मतलब मंगलवार फिर उसके बाद में गुरुवार और शनिवार, रविवार को लॉकडाउन रहेगा और मंडे को और वेडनेसडे को और फ्राइडे को वो अलग दुकानें खुलेंगी हार्डवेयर वगैरह वाले की। और बाकी दुकानें बंद होगी क्या? चेकिंग चलती क्या यहाँ पे? कटी बैरिकेड लगा रखा हटा दो। हाँ भाई जबरन में देख, बाकी सारी दुकानें बम्बई बाजार तो पूरा बंद है। बम्बई बाजार ही है ना ये? बम्बई बाजार फिर ये क्या है फिर है? अरे ये पीछे वाली जो उसमें थी ना, वो क्या बोलते बड़ वाली चौकी बंद थी पूरी आज आठ बजे। इसका तो कुछ कर भी नहीं सकते, वो जब भी सॉल्यूशन निकलेगा इसका। ओ भैया देख के चला रहे दादा, इसका सॉल्यूशन जब भी निकलेगा, जब हेलमेट आएगा और गोप्रो आएगा और उसके अंदर लगेगा माइक तो फिर वॉइस बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो अभी के लिए थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेना आप लोग। थोड़ा के निवेदन आप सबसे, यहाँ का लॉकडाउन खुलता सही इंदौर वाले तो ऐसे भग रहे हैं जैसे मतलब पता नहीं कौन से चिड़ियाघर में से बाहर निकाल दिया इन लोगों को। शासकीय श्री अहिल्या केंद्रीय पुस्तकालय सफेद कोठी रीगल चौराहा इंदौर। ठीक है भैया, चलो भाई सब चीज़ें खुल गई, मानने पर भी खुल गया। यहाँ रुकना है क्या अपने को? हैं वो कोटक वाला आ रहा यहीं पे आएगा क्या? भाई देख लो ऐसा ऐसा माहौल चल रहा है पूरा सेनाथ वाला। हाँ मतलब लॉकडाउन खुलते से ही सबसे पहले पिक्चर कर दी लोगों ने, घर से निकलते बिल्कुल सेनाथ वाली मतलब ऐसे निकल रहे हैं जैसे चिड़ियाघर में से पुरानी पक्षी बाहर नहीं आते वैसे बाहर निकल रहे हैं। क्या हुआ? हम को भी चालू फुल सिक्योरिटी के साथ में। फाइनली हमारा काम हो चुका है कंप्लीट। हम लोग निकल रहे हैं हमारे घर की साइड, गाड़ी चालू हो रही है और सेनाथ में या वही गाड़ी चालू और हम लोग जा रहे हैं हमारे घर की ओर।
पर आ रहा देखे हो भाई हमारी बुकिंग भी नया दो तो मतलब नहीं हो पाने लिया हम ऐसे कैसे और धूप इतनी खतरनाक वाली हो रही इसको जवाब नहीं तो बहुत ज़्यादा परेशान है छतरी लेकर चलना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। हाँ भाई तेरी कसम छतरी लेकर चलना पड़ेगा फाइनली अभी नहा धो के रेडी हो रेडी मतलब क्या नहा धो लिया है वो अब हमारा वैक्सीन का टाइम वैक्सीन डोज का टाइम है तो हम लोग जा रहे हैं वैक्सीन लगवाने थोड़ा खाना वाना खा लेते हैं ज़रा देखते खाने में क्या बनाया हुआ है माता राम ने अपनी। हाँ ये है अपनी आलू टमाटर गिलकी की सब्ज़ी और इसमें है बैगन की सब्ज़ी। चलो भाई खाना खाते हैं और मिलते हैं। फाइनली हम लोगों ने खाना वाना खा लिया अब हम लोग जा रहे हैं हमारे फैमिली को घर से और वैक्सीन लगवा के आते हैं क्योंकि वैक्सीन बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलो ठीक है ओके भाई लोग आपका लगा देंगे। हाँ तो गाइस जैसे आप लोगों को सबको पता है कि यार वैक्सीन वगैरह सारी गवर्नमेंट के साइड से लग रही है और हम भी वही वैक्सीन लगवाने गए थे जो गवर्नमेंट के साइड से लग रही है जो सभी लोगों को लग रही है। बट मैं जब गया वहाँ पर वैक्सीन सेंटर पर मेरा रजिस्ट्रेशन भी बुक था ठीक है मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका था वो मुझे टाइम दिया गया 4:30 बजे का मैं 4:30 बजे के पहले ही पहुँच गया था मतलब वहाँ पर मगर फिर भी मेरे को उन्होंने बोले आधा घंटा वेट कीजिए आप। फिर उसके बाद मैं आधा घंटा में बैठा फिर उसके बाद में आधे घंटे बाद फिर मैं वापस गया तो उन्होंने वापस मेरे को बोला कि एक काम करो भाई आधे घंटे और बैठो आधे घंटे में आपको आवाज़ दे देंगे आप आ जाना अपनी वैक्सीन लगवा लेना ठीक है। आधा घंटा वेट किया मैंने चलो ठीक है 10-15 मिनट और वेट कर लेते हैं मैंने कम से कम ऐसा करके 1 घंटा वेट किया वहाँ पर। उसके बाद में मैं जब गया अंदर तो बोलते बोले भाई वैक्सीन ख़त्म हो गई है। फिर वहाँ पर 2-3 बंदे खड़े हुए थे तो मैंने उन लोगों से पूछा मैंने यार क्या हुआ मतलब क्या क्या दिक्कत हो गई यहाँ पर तो उन्होंने ये मतलब उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई कि यार ये यहाँ पे पार्शियलिटी चल रही है मतलब क्या कि नेतानगरी चल रही है और ये लोग है ना अपने घर घर अपनी पहचान वाले जो भी अपने आस पास वाले उन लोगों को वैक्सीन लगा रहे हम जैसे लोगों को नहीं लगा रहे मतलब कहने का मतलब ये है कि हम रजिस्ट्रेशन बुक करवा रहे तो ये लोगों का रजिस्ट्रेशन करके रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं मगर ये क्या करते हैं जो रजिस्ट्रेशन वाले बंदे रहते हैं उनको बोल देते हैं कि आज वैक्सीन नहीं है आप नेक्स्ट डे आइएगा तो ऐसी चीज़ें चल रही है। तो भाई कोई देख रहा हो तो प्लीज़ थोड़ा इन सब चीज़ों को सुधरवाओ क्योंकि ये चीज़ भी गलत है यार भाई सभी इंसानों सबको एक समानता का अधिकार है तो कृपया करके इसमें इस चीज़ में तो पार्शियलिटी मत करो यार कम से कम। और वो वहाँ पर उन लोगों में मतलब 2 से 3 लोग वो खड़े हुए थे इसमें से एक बंदे का झगड़ा भी हो गया था वहाँ पर अंदर वैक्सीन सेंटर में तो उन्होंने मतलब क्लियरली बोले ये लोग है ना पार्शियलिटी कर रहे हैं और क्या बोलते हैं उसको कि ये पैसे दे के भी वैक्सीन लगवा रहे लोगों को इस चक्कर में हमको भी आज वैक्सीन लगनी है भाई। तो भाई कोई बंदा ऐसा कर ऐसा देख रहा हो तो आप प्लीज़ ऐसा सारी चीज़ों पर ध्यान देना और आगे रिपोर्ट करना ताकि ये सारी चीज़ें बंद हो जाए ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं अपन कल मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना तुम्हारा भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आप जो बोल रहे हो कि आवाज़ कम आती ब्लॉग में तो मेरा माइक रखा हुआ है मैं माइक कल से यूज़ कर लूँगा और आप बोल रहे हो कि वीडियो क्वालिटी भी थोड़ी सी बेटर कर लीजिए तो उसके लिए भी हमने थोड़े दिन बाद कुछ इंतज़ाम किया है वीडियो क्वालिटी भी हम बढ़ा लेंगे मगर अभी थोड़ा सा तुम्हारे भाई के लिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लो हम जल्दी से जल्दी वीडियो क्वालिटी का भी इंतज़ाम कर देंगे। तब तक के लिए चलता हूँ मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में टिल देन बाय बाय हैव अ नाइस डे।